पार्टनर की। तो अनु भैया ने क्या बोला, 40,000 से नीचे कितना भी नीचे प्रॉफिट हो ना वो मैं दूंगा। मान लो 30,000 हुआ है, अब हमने बोला है फीस, अब उन्होंने कहा फीस कितनी आई है उनके पास 30,000। तो मैंने अनु भैया को बोला भैया 30,000 आई है खाली, आपने तो 40,000 का वादे। अनु भैया ने बोला टेंशन क्यों ले रहा है, जो 10,000 है ना वो क्या है 10,000, वो किसी, वो कौन भरेगा, मैं, वो कौन भरेगा मैं। तो ये 10,000 क्या हो जाएगा, जब हम PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे, जब क्या बना रहे होंगे PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 50,000 हुआ है मान लो, ठीक है, आप क्या बाय अनु भैया कैपिटल, बाय अनु भैया, ठीक है, कितना 10,000, इनकी वजह से हमारे 10,000 कम फीस आई है, इसका मतलब 10,000 कम प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये प्रॉफिट का पार्ट बन गया। पर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड करके नहीं दिखा रहे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। फिर इसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, टोटल कर देना जो आएगा 60,000, और इसे ही 2 डिविजिबल प्रॉफिट करके बांट देंगे ए और ए, ठीक है। मान लो 1:1 में होता था 30,000, फिफ्टी। एक बात बताओ, अनु भैया ने हमें गारंटी दी कि 40,000 होगा और हुआ 30,000, ठीक है। और अगर 40,000 होता तो हमारा प्रॉफिट 10,000 से ऑटोमेटिकली बढ़ चुका नहीं होता, बढ़ चुका होता, पर यहाँ पे 10,000 कम हुआ है, तो 10,000 यहाँ कंपनसेट करेंगे, 10,000 कंपनसेट करेंगे तो बाय अनु भैया कैपिटल अकाउंट तो 10,000, और अगर कैपिटल फिक्स हो तो अनु भैया करंट अकाउंट, ठीक है, 10,000 यहाँ डल जाएगा, तो ये एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। और ये कहाँ बटेगा, पार्टनर्स में बटेगा, 60,000 हो गया और 60,000 पिछली क्लास में अच्छे से समझा नहीं पाया था, अभी समझा। अब आता है गारंटी इन केस ऑफ लॉस। सिंपल सा बेसिक स्टेप है, ठीक है, स्टेप 1 गारंटी, ध्यान से सुनना, टू अ पार्टनर इन केस ऑफ, जो आपका टेस्ट मैं बता दूंगा, टेस्ट मेरे ख्याल से 31 से शिफ्ट करके मैं आपके ना किसी और डेट को ले लूँगा। पता है क्या है मेरा ना, मेरे एग्जाम ऐसे है 4/7, 4/7, 11/13, ठीक है, जो मतलब इसमें बैठेगा कि आपकी क्लास नहीं हो पाएगी उस दिन, तो मैं उस दिन आपका टेस्ट ले लूँगा, ठीक है। तो 31 से अभी आपका कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको बस ये सुन लो, गारंटी टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस, तो गारंटी किस किस को मिलती है, पार्टनर को मिल सकती है, फ्रॉम अ पार्टनर और फर्म, मानसी गारंटी किस किस को मिल सकती है, किसको मिल सकती है पार्टनर को मिल सकती है, फ्रॉम पार्टनर या फिर फर्म से, ठीक है, और फर्म को ही मिल सकती है, कौन दे सकता है, पार्टनर या पार्टनर्स, ठीक है, फर्म को, फर्म तो गारंटी देगा नहीं, फर्म को कौन दे सकता है, पार्टनर या फिर पार्टनर्स, ठीक है, समझ आ गई। देखिए वीडियो चल रही है, चल रही है ना, और देखिए ये आ रहा ऊपर का, ये नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर करके गलत कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, जब हमारे लॉस होगा, लॉस हुआ, हमने बोला कि ना आप हो योगी तो आप हो, आपको बोला मैंने 50,000 का आपको मिनिमम प्रॉफिट होगा, मैंने गारंटी दी है, तो किसने गारंटी दी है, गारंटी टू अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनर, बाय अ पार्टनर बाय फ्रॉम अ पार्टनर, ठीक है, 50,000 की गारंटी मैंने दी है, 50,000 से नीचे नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उल्टा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस हो गया, आप 1.5 लाख का लॉस हो गया, और हम 3 पार्टनर हैं, ए बी और योगिता को सी मान, ठीक है, 3 पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है, 50,000 का हमने गारंटी दी थी और 1.5 लाख का लॉस हो गया, और हम किसमें बांट रहे, 1:1 में कर रहे हैं, ठीक है 1:1 में। तो इसमें बेसिक स्टेप है, कुछ क्या है, बेसिक स्टेप है, सबसे पहले जो लॉस आया ना उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बटे रहो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन तो बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, जब प्रॉफिट होता है तब क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही नहीं। तो साफ सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में जो लॉस हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, इसे गलत लिख दिया मैंने, पूरा गलत इंग्लिश लिख दी, वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे, गालियाँ आएगी मेरे को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द लॉस इन PNL अकाउंट, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस जो आएगा PNL अकाउंट, ठीक है, PNL अकाउंट खोलेगा, PNL अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, प्रॉफिट हुआ ही, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस जो PNL अकाउंट में है, ठीक है, साफ सी बात, PNL अकाउंट बनाएंगे,
PNL account बनाया, PNL account for the year ended, जो भी हो, ठीक है, जो भी हो, कितने का आया, 1.5 लाख का loss आया, सिंपल सी बात है, अभी हमें कुछ नहीं सोचना, बाया ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मान लो, ठीक है, या क्या क्या ओह सॉरी तो इस साइड आया माय तो लॉस आप ना डायरेक्ट एक काम कर सकते हो नेट लॉस भी लिख सकते हो ठीक है ग्रॉस लॉस भी लिख सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो एक कुछ भी लिख सकते हो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको क्या करना है 1.5 लाख साफ सी बात है यहाँ पे क्या लिख दोगे बाय 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 डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एज कैपिटल अकाउंट बीस कैपिटल सीज कैपिटल अकाउंट ठीक है कितना कितना 1:1:1 1.5 लाख है कितना 50,000 अभी तक हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ही क्या कर देते थे डेफिशिएंसी बॉन पर यहाँ नहीं करेंगे ठीक है समझ आ रहा है उस टाइम हम क्या करते थे डेफिशिएंसी बॉन यहीं से माइनस कर देते थे और यहीं प्लस कर देते पर यहाँ नहीं करेंगे यहाँ क्या करेंगे यहाँ पे पता है क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे जब लॉस का केस आएगा ना तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे कैसे थ्रू करेंगे आप सुन लो ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करना है लॉस इन पीएनएल अकाउंट ठीक है पीएनएल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब कैलकुलेट करेंगे स्टेप टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूट गारंटीड अब वो कैसे करेंगे वर्किंग नोट में करेंगे इसे वर्किंग नोट में क्या लिखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस इज इक्वल टू 50,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड लॉस इज इक्वल टू 50,000 प्लस गारंटीड लॉस 50,000 गारंटी किसे मिली है सी के इससे में कितना गया 50,000 तो उसे अब ऐसे थोड़ी 1.5 लाख से वापसी देंगे पागल हो गया अब मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में कि आपको मान लो आपको आप यहाँ खड़े हो आपको यहाँ भेजना है तो आपको यहाँ से यहाँ धक्का मारा जाएगा पर आप यहाँ खड़े हो ठीक है अब आप मना नहीं कर सकते एग्जाम्पल भी याद आ गया होगा आपको भी मैंने टॉपिक नहीं बढ़ाया अभी आप यहाँ खड़े हो पहले आपको धक्का मार के यहाँ लाया जाएगा फिर यहाँ भेजा जाएगा अभी यहाँ से यहाँ तक का धक्का 50,000 का है ठीक है पहले आपको नील लाया जाएगा आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में हो आपको धक्का लाके आगे आ गया जिसको कहा 50,000 मैंने दे दिया अब 50,000 आगे बढ़ाए मैंने 50,000 आगे बढ़ाए 50,000 आगे बढ़ाए उसमें क्या बोला मैंने कि अब आपका लॉस रिकवर हो चुका है ठीक है लॉस भी रिकवर हो चुका है प्लस गारंटीड अमाउंट भी मिल चुका है गारंटीड अमाउंट मैंने बोला था 50,000 और इसे कैपिटल अकाउंट में डालोगे ना मैं क्यों बोल रहा हूँ अब आप बोलोगे इसे तो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का अब बोले एक बार प्रॉफिट हुआ 1 लाख का नहीं बोलोगे ना अब इसके कैपिटल अकाउंट देखते हैं आप इतना नोट करा यहाँ साइड में दिखा देता हूँ कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा ऐसे ही मैंने आपको बनाना सिखाया था एक ही बनेगा सारा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा एक मिनट अभी आपको दिख जाएगा सर ए बी सी पर्टिकुलर्स ए बी सी ठीक है लॉस हुआ है लॉस बांटेंगे लॉस से क्या होगी कैपिटल लॉस से कैपिटल क्या होगी कम हो जाएगी कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट कम हो जाएगी तो क्या करना होगा डेबिट तो टू पी एन एल अकाउंट ठीक है कितना 50,000 समझ गए इतना ठीक है कुछ बैलेंस पड़ा होगा यहाँ पे हम मान के चल रहे कुछ नहीं है 50,000 ठीक है अब जो सी है उसे गारंटीड हुआ है अमाउंट हमने निकाल भी ला कितना हुआ है और यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे बॉन्ड बाय ए बॉन्ड करेगा तो किसके अकाउंट से डेबिट होगा किसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा ए को कितना देना है 1 लाख रुपये सुन रहे हो 1 लाख रुपये देने हैं ठीक है तो यहाँ पे जो सी का अकाउंट है किसके नाम से क्रेडिट हो जाओगे टू एज कैपिटल अकाउंट ठीक है ए के नाम से क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ लाइन मारते हुए चलना आपको क्यों याद करो क्यों
एग्जामिनर पेन से लिख भी सकता है, एग्जामिनर तेज हो तो ठीक है। तो आपको ये मार्क पे चलना है, फिर आपको क्या करना है, लिखना है 1,00,000। अब इफेक्ट देखो, इफेक्ट देखना ठीक है। यहाँ पे 50,000 इस साइड बैलेंस बढ़ा है, 50,000 इस साइड बढ़ा, ओ सॉरी, यहाँ 50,000 इस साइड बढ़ा है, पर यहाँ पे कितना बढ़ा है, 1,00,000 ठीक है। 1,00,000 बढ़ा है यहाँ, 50,000। तो टू बैलेंस, सॉरी यहाँ बाय आया, यहाँ पे बाय, एक राइट साइड है ना, बाय बैलेंस सी डी कितना आएगा, 50,000। तो इनके कैपिटल में कौन से बैलेंस आ रहे हैं, ये यहाँ पे जाएगा ना, टू बैलेंस बी डी बन जाएगा, इसके कैपिटल के डेबिट बैलेंस आ रहे हैं, पर इसकी कैपिटल में कितना आएगा, 50,000 आएगा, बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 1,00,000 है, 50,000 बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 50,000 क्रेडिट बैलेंस आ रहे हैं। तो इफेक्ट देखो ना, 50,000 लॉस हुआ, फिर 1,00,000 का धक्का मार दिया, तो 50,000 लॉस भी तो हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट आएगा लास्ट में, क्रक्स जो आएगा वो क्या आएगा, 50,000। तो मिनिमम प्रॉफिट कितने हुआ, 50,000। समझ आ गया टॉपिक, समझ आ गया नहीं आया, बहुत बढ़िया।